सतना जिले के मझगावा के चिथारा बीट के अमहा जंगल में बाघ का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने बाघ के शव को कब्जे में लेने के बाद पीएम कराकर उसका अंतिम संस्कार करा दिया। इसके बाद वन अमले की टीम जांच के लिए जुट गई है। वन संरक्षक राजीव मिश्रा ने भी घटनास्थल का जायजा लिया है। वन संरक्षक राजीव मिश्रा ने बताया कि प्रारंभिक तौर पर यही बात सामने आ रही है कि दो बाघों की आपसी लड़ाई में 3 वर्षीय एक बाघ की मौत हो गई। आपसी वर्चस्व में नर बाघ के मरने की आशंका व्यक्त की जा रही है। आपको बता दें कि मझगांवा रेंज और चित्रकूट में जंगली क्षेत्र में आधा दर्जन बाघों की मौजूदगी के पग चिन्ह और लोकेशन मिल चुके हैं और बाघ अपना कुनबा भी बढ़ाते जा रहे हैं, मगर इस जंगल में बाघों की मौत का चिंता का विषय है क्योंकि इससे पहले भी बीते 4 सालों में 3 बाघों की मौत हो चुकी है। सतना से पंकज मझगांवा की रिपोर्ट। ये दोपहर को मालूम पड़ा हम लोगों को यहाँ पर टाइगर पड़ा हुआ था, मरा हुआ, चौकीदार ने बताया। तो सारी टीम यहाँ कल आई थी। हम लोगों ने यहाँ पर जो भी इन्वेस्टिगेशन किया है प्रारंभिक रूप से, और डॉक्टर साहब भी आए थे, पीएम भी कल कराया है, तो टाइगर जो है ये नर है रहा है। 3 साल लगभग की उम्र है, यंग है। अब हम लोग को जो प्रथम दृष्टव्य जो संभावना है कि टाइगर की जो फाइट होती है, आपस की लड़ाई होती है टेरिटरी को लेके, उसी में फाइट का ही कारण इसकी मृत्यु हुई है। क्योंकि ये जगह आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ ना तो बिजली का तार है, ना ही उसमें कहीं कोई शिकार के लक्षण है। चेहरे में इसके और गले में इसके निशान थे, हम लोगों ने जो कल देखा था। तो उससे पहले दृष्टि में तो ये लग रहा है कि आपस में टेरिटरी की फाइट है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।